किस तरह का फर्क पड़ेगा और आप क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ फर्क की बात नहीं है, ये उसूल की बात है। पहले तो आप बॉम्बे में या फिर पूरे इंडिया में इंक्वायर कर लीजिए। माई फिल्म हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड अ हिट, ऑलरेडी हिट हो चुकी है और वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर्स ऑफ दिस ईयर, यू नो। और फिल्म इंडस्ट्री को ये एक यू नो एक लक मिला है कि तीन पिक्चर चली है एक साथ, सरकार 10 जो मैंने ही डिस्ट्रीब्यूट की थी, और मैंने प्यार क्यों किया तो मेरी है ही। तो मुझे लगता है कोई फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ कुछ बोलना चाहता है, अगर नहीं भी बोलना चाहता तो वो अपना पर्सनल जजमेंट ट्यूसडे को कैसे पास कर सकता है। सारी दुनिया बोल रही है कि पिक्चर अच्छी बनी है और कलेक्शंस इंस्पाइट ऑफ के सलमान का जो हुआ था वो कारण हो के करके भी पिक्चर अच्छी चल रही है। 95% कलेक्शंस अभी भी है सब थिएटरों में। आपको चाहिए तो मैं आपको कलेक्शन चार्ट मेरे ऑफिस से दे दूँगा, लेकिन और उसको पास करना भी है तो पर्सनल जजमेंट, मैं मीडिया को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक पर्सनल जजमेंट ना पास करे, क्योंकि पिक्चर को ट्रेड एनालिस्ट का काम है कि एक वीक के अंदर कि वो अपना फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो वो बता सकता है। मुझे कोई इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर सारी दुनिया बोलती है कि पिक्चर ऑलरेडी चल चुकी है और अगर उसको लिखना भी है, और अगर आप पूरी दुनिया बोलती है कि पिक्चर अच्छी बनी और हिट हो चुकी है, इनफैक्ट सुपर हिट होने के चांसेस है, और वो तीसरे दिन जजमेंट पास कर लेता है कि फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, तो ये तो पूरी गलत बात है। और वो उसने, और मुझे मालूम भी पड़ा है कि वो उसने अपना पर्सनल जजमेंट पास किया है, ऐसे नहीं कि पूरे पेपर ने मिलके एक आर्टिकल लिखा है, उसने अपनी खुद की ख्वाहिश, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। और ये याद रखना चाहिए कि एक फिल्म के कारण हज़ार लोग का खाना पीना चलता है, इतना तो आपको याद रखना चाहिए। इट्स नॉट अ प्रोड्यूसर्स फिल्म, वो डायरेक्टर्स का भी फिल्म है, एग्जिबिटर्स का भी है, मीडिया वालों का भी है और ऑडियंस का खास करके है। ये लिख के आपको मालूम नहीं है सलमान के फैंस की क्या हालत होगी। हाँ, अगर पहले दिन कुछ हुआ 10-15 थिएटर के पीछे बंद हो गए ऐसे ऐसे, लेकिन जब भी ये सेटल डाउन हो गया, एक दो दिन लगे कंट्रोवर्सी को से, मैं खुद मिस्टर गोपीनाथ मुंडे को सबको मिल के आया, सब सॉर्ट आउट भी हो गया, और तीसरे दिन से हाउसफुल, क्योंकि सलमान के फैंस हैं तो हैं और पिक्चर अच्छी बनी है तो है। अगर डेविड धवन ने अच्छी पिक्चर बनाई है तो है, लेकिन अगर आप दो दिन के बाद ऐसे बोल रहे हैं कि पिक्चर ऑलरेडी फ्लॉप हो चुकी है तो बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। आपने सलमान के साथ काम किया, या सलमान इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, सलमान जैसा मुझे अभी तक कोई फ्रेंड मिला नहीं है। आई गॉट फुल कोऑपरेशन फ्रॉम सोहेल खान एंड डेविड धवन ऑल्सो। और सलमान का जो कंट्रोवर्सी हुआ है वो पिक्चर से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपको। और कलेक्शंस में थोड़ा सा ड्रॉप स्टार्टिंग में आया था, लेकिन अभी पिक्चर पूरी हाउसफुल जा रही है, वो मैं आपको प्रूव करके भी दे सकता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी कलेक्शंस आ चुके हैं, लेकिन अगर मुझे भी आपको कुछ बोलना होता कि पिक्चर सुपर हिट हो गई है तो मैं आपको सैटरडे को ही बोल देता। मैं क्यों एक वीक तक रुकाऊँ, क्योंकि एक वीक के बाद आप ऑडियंस खुद डिसाइड करिए, मीडिया खुद डिसाइड करेगी कि पिक्चर फ्लॉप है या हिट है। मैं तो अभी बोलता हूँ कि हिट ही है, लेकिन मुझे भी नहीं पास करना चाहिए जजमेंट, तो उसको भी नहीं पास करना चाहिए। तो वही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप वालों को कि प्लीज़ आप हमारा ख्याल रखें तो हम आपका ख्याल रखेंगे, और पर्सनल जजमेंट कभी भी पास मत करें। दैट्स माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू। या सी, वो उसका पर्सनल मामला है, वो तो देखो उसको गवर्नमेंट का जो वर्डिक्ट आएगा वो कल्प्रिट है, अगर होगा तो उसको सज़ा मिलेगी या फिर नहीं, वो तो उनका पर्सनल है। लेकिन सलमान के पर्सनल इश्यू के कारण आप पिक्चर के खिलाफ कंट्रोवर्सी करेंगे या फिर मोर्चा लगाएंगे तो वो पूरी गलत बात है। तो इसलिए मैं, और पिक्चर अच्छी बनी है और उसमें कुछ प्योरली फैमिली इंटरटेनर, तो उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है या फिर एक्ट वो मारामारी ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक के खिलाफ कुछ जाए या फिर सलमान के खिलाफ कुछ जाए। तो मैं पब्लिक और मीडिया से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि थिएटर में जाइए और पिक्चर देखिए।